अस्सलाम वालेकुम, आज मेरे पास एक इंजेक्शन है जिसका फार्मूला है कोलीकैल्सिफेरॉल, जिसे विटामिन D3 भी कहते हैं। कोलीकैल्सिफेरॉल को विटामिन D3 कहते हैं। इसका ब्रांड नेम है बार डी है। इसको आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो? इसको आप पट्टों के दर्द में, इस इंजेक्शन को पट्टों के दर्द में, कमर के दर्द में और हड्डियों के दर्द में इसे यूज़ कर सकते हो। कुछ मेडिकल डिजीज़ हैं, ऑस्टियोपोरोसिस है, ऑस्टियोमेलेसिया है, क्रोनिक किडनी डिजीज़ है, वहाँ भी इसे यूज़ कर सकते हैं आप। मेल अब्जॉर्प्शन वगैरह हो विटामिन डी के, वहाँ भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इस इंजेक्शन में होता क्या है, विटामिन D3 होता है और इसमें जो लिक्विड है वो 5 mg है, जो 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट के बराबर है। जो 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट है ये अडल्ट के लिए है और जो 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट है वो चाइल्ड के लिए है। इसके अंदर क्या होता है, वही विटामिन D3 है। और इसको यूज़ करने का तरीका क्या है, इस इंजेक्शन को आप ओरली भी ले सकते हैं, ओरली लेना चाहते हैं ले सकते हैं, अगर आप वाटर के साथ लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं। ये जूस हो, वाटर हो, जो भी चीज़ हो, फूड के साथ आप इसे ओरली इस इंजेक्शन को यूज़ कर सकते हैं। अगर कुछ पेशेंट होते हैं जिनका GI प्रॉब्लम होता है, मतलब कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम होता है, मेल अब्जॉर्प्शन वगैरह का, तो उसको फिर हम इंजेक्शन लगाते हैं ये विटामिन D3। और इसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं, साइड इफ़ेक्ट में ये जो होता है, पहले इसकी मैकेनिज्म देखें। ये विटामिन D3 जो है ये दरअसल वहाँ कहाँ बनता है, लीवर के अंदर भी ये बनता है और किडनी के अंदर ये बनता है। इसका काम ये है, जो कैल्शियम होता है उसको स्मॉल इंटेस्टाइन या यूरिन से जो होता है अब्जॉर्ब करवाता है ये विटामिन D3। अगर कुछ कंडीशन है, हाइपोपैराथायरॉइडिज्म है, जिसमें पैराथायराइड हार्मोन जो होते हैं कम प्रोड्यूस होते हैं, हड्डियों में कैल्शियम लेवल कम हो जाता है, तो उससे फिर हम विटामिन D3 देते हैं, जिसे हाइपोपैराथायरॉइडिज्म कहते हैं। ठीक है, वहाँ भी इसे आप यूज़ कर सकते हैं। इसका जो साइड इफ़ेक्ट है, ये ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम लेके आता है ब्लड के अंदर। और इसकी जो साइड इफ़ेक्ट बनी है वो है हाइपरकैलेसीमिया, मतलब ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो जाता है। ये है बार डी, कोलीकैल्सिफेरॉल है, विटामिन D3 है, 5 mg है, 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट होता है इसमें, और ये आप यूज़ कर सकते हैं हड्डियों के दर्द के लिए, मसल के पेन के लिए, कमर के दर्द के लिए। ओरली भी यूज़ कर सकते हैं, इंट्रामस्कुलर भी यूज़ कर सकते हैं।